नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मैनपुरी रोड माड़ी के समीप एक सवारियों से भरी मैक्स अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा होते ही मैक्स में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। घटना होते ही मैक्स अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। इस हादसे में एक फड़ कारोबारी की मौत हो गई और आपको बता दें 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती करवाया है। अस्पताल आए 7 घायलों में से 3 की हालत को चिकित्सकों ने गंभीर माना है, जिन्हें उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शेष घायलों को इलाज देकर अस्पताल से छुट्टी दे दी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। इस बारे में थाना पुलिस का कहना है कि सभी लोग मैनपुरी जा रहे थे, जो ज़मीन पर फड़ लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अचानक मैक्स का टायर फट गया, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और मैक्स पलट गई। फिरोजाबाद से ऋषि कुमार की रिपोर्ट। आपके साथ क्या घटना हुई? हम लोग बाजार जा रहे थे मैनपुरी सोगाबाद मैनपुरी चौराहे पार करके, थोड़ा आगे चल के अचानक से गाड़ी ने संतुलन खो दिया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग घायल हुए? लगभग थे 10 लोग करीब थे, जिसमें से कुछ लोग बचे हैं 2-3 और बाकी सभी घायल हैं। हॉस्पिटल में 8 लोग आए हुए हैं, जिसमें से दो लोगों को केवल मेजर इंजरीज हैं, बाकी सब स्वस्थ हैं। खरोच आई हुई है, उनका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। जिन दो लोगों को ज़्यादा चोट है उनको हम जिला अस्पताल रेफर कर रहे हैं, बाकी सारे लोग सभी के सभी सही हैं। संख्या में यहाँ पे 8 लोग आए हुए हैं और एक ऐसा बताया गया है कि शायद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जिस जगह पे मैक्स पलटी है। और